ये सारा सब कुछ पैक करना है। टू मिनट थोड़ा सा मैट बेयर का शूट कर रहे थे, बट ये सारा सब कुछ छोड़ दो, मिस किया कि नहीं, मिस किया कि नहीं, सच बता रहा। हम लोग दोनों ने भी किया ना थोड़ा सा, ऐसा दो दिन का ही ब्रेक था, बड़ा सा खाली खाली लग रहा था, बट ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को बता, तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो दिन है, दिन में हम लोग को बहुत काम करने का है। हम लोग को जाने का है कहाँ पे? सदर बाजार, सदर बाजार जाने का है। बट उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा ये थ्रिफ्ट का काम निपटाने का। बहुत सही सही कलेक्शन डाल रहे हैं भाई लोग, है ना। तो बहुत सही सही कलेक्शन डाल रहे हैं हम लोग। ऐसा ये सारा सब कुछ हम लोग तुम लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा बहुत मन होता है कि खुद के लिए रख ले, बट हम लोग दोनों भी बाद में ये सोचते हैं कि खुद के लिए तो हम लोग इतने साल से करते हुए ही आ रहे हैं। अभी हम लोग अगर खुद के लिए करते रहेंगे तो ऐसा होगा कि के लिए ही करते रह जाएंगे, फिर हम लोग कंप्लेन ही करते रह जाएंगे कि इंडिया में अच्छे कपड़े आते नहीं, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि किसी ने स्टेप नहीं लिया कि हम लोगों के लिए करेंगे। तो हम लोग ने वो स्टेप ले लिया, तो हम लोग हैंड पिक करेंगे चीजें तुम्हारे लिए। गारंटेड वो सारी चीजें अच्छी दिखनी है, क्योंकि हम लोग का टेस्ट एकदम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको पटाया, इसने मेरे को पटाया, वही मतलब बनता है कि हमारा टेस्ट एकदम ज्यादा अच्छा, तो उस पर डाउट करने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, एक सब लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था कि अगर किसी को भी पता रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर थ्रिफ्ट मार्केट अच्छा है या कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं यही मंथ एंड में नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने का। तो प्लीज कमेंट में बता देना, है ना। और अगर तुम लोग वहाँ पे लोकल रहोगे तो हम लोग मिल भी लेंगे तुमसे, और अच्छे से घूम भी लेंगे, अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, क्या बोलते हैं। वाह, तो अभी हम लोग पहले फट से उड़ा के आते, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है मेरे को पता नहीं, 1:30 के ऊपर हो गया रहेगा। आता हूँ, बीच बीच में तुम लोग कलेक्शन दिखाते रहता हूँ। आज ट्यूजडे, बट आज नहीं डालेगा कपड़े, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे YouTube वाले जो भाई लोग हैं वो लोग को चांस मिलता नहीं है, तो अपन कल डालेंगे। कल मतलब वेडनेसडे, जब ये व्लॉग जा रहा है तो तुम लोग रिहाश को फॉलो कर लो, अगर तुम लोग ने नहीं किया है तो हम लोग रिमाइंडर डाल देंगे, वो सेट कर लेना अपने इसमें, या पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कपड़े कहाँ पर कहाँ। गर्मी हो रहा है ना तुमको बहुत? चालू करते भाई लोग। मैडम को गर्मी हो रहा है, मतलब सब कुछ बंद बंद। और ये वाले जो पैंट्स है ये धुल के आ चुके हैं और एकदम ही ज्यादा नाइस लग रहे। थोड़ा सा जैकेट बाजू में करना, बहुत ही ज्यादा नाइस लग रहा है। तुम लोग ने मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बताया, बहुत सारे सजेशंस दिए, हम लोग वो सारी चीज को दिमाग में रखे। हम लोग ने सोचा था कि हम ये भी पैंट सेल करेंगे, बट नहीं मन कर रहा, क्योंकि उसको और हम बेटर करके, तो वही चीज हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं। ये एकदम क्रेजी चीज आया है भाई लोग, गर्ल्स बॉयज दोनों का उठा सकते हो तुम लोग। ओहो, वी आर डूइंग दिस फॉर यू एंड दोस पैंट्स आर मदर फकिंग ऑसम भाई लोग। ये वाला चीज एकदम विंटेज है, मैं बोल रहा था ना, जो चीज की मेरे को देने का मन नहीं कर रहा है वो यही चीज है, बहुत ऊपर चीज। उफ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे हाथ पे। इन बिटवीन वर्क, सिंस वी आर वर्किंग फ्रॉम व्हेन, जीरो शुगर जीरो कैलोरी, मैड बेयर, गेट योर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूज आवर कूपन कोड, डू नॉट फॉरगेट। डैम, ए वॉच इज नाइस है। भाई लोग, इसके पहले का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैमरा बंद हो गया था पता नहीं कैसे। तो अगर तुम लोगों को देखना है क्या क्या स्टफ्स गया है, रियाश को फॉलो कर लो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कौन से शर्ट है। भाई लोग, ये वाला पैंट मेरे से और 3 फीट हो जाएंगे, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने नाड़ा दिया ले आप नड़े वैज है, नड़े वैज। और ये वही वाला चीज है जो मैं बोल रहा था, जो मेरे को बिल्कुल देने का मन नहीं कर रहा है, क्या अभी भी चालू है? चालू है। अब भाई लोग, ये जो ओवर कोट है ना, ये हो गया गेम। फक, ये कितना ज्यादा नाइस है, मैं क्यों दे रहा हूँ ये किसी और को, मतलब पूरा अटायर बना के दे दिया। ये पूरा अटायर जिसको भी जाएगा ना भाई, वो होगा पीकी फकिंग ब्लॉन्ड। ये वाला अटायर तो जान के मैंने पहना, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि लड़कियाँ ये ड्रेस, ये टी शर्ट ले ले, बल्कि ये गर्ल्स का ड्रेस है। दिमाग यूज कर रहा।
ये वाले थ्रिफ्ट से सेट उठा हुआ जो भी उठा रहे। हम लोग पूरे इंडिया का फैशन सेंस बदल, मतलब कॉमन लोगों का हम लोग कपड़े पहनने का तरीका बदल रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है मॉडल या इन्फ्लुएंसर्स, उनको तो मिल जाते हैं कपड़े। You know what it is, ऐसे ऐसे करके बताऊंगा पूरा हाथ में आने के बाद अच्छे से बताऊंगा। तो मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ कि वो क्या है, ब्रांड का लेबल है ना। तो आज आने वाला था वो, बट अभी डिलीवरी उसका परसों होएगा। इतना ज्यादा तुम में क्यूरियोसिटी करके ऐसा कुछ फायदा नहीं है, जबकि बता नहीं हम लोग को। तो हमारा लेबल्स रेडी हो चुका है, ब्रांड के लिए एकदम ज्यादा खुशी हो रहा है ना। अभी आज हम लोग शर्ट भी लेने जाएंगे। हम लोग सदर बाजार आज जाने वाले थे, बट अंकल को कुछ काम आ गया तो अंकल काम के लिए निकल गए। वो ओल्ड दिल्ली में, तो वहाँ पर पार्किंग का बहुत सीन होता है चांदनी चौक वगैरह एरिया में। तो हम लोग दोनों सिर्फ जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग दोनों भी एकदम मंद है। हम लोग घूम जाते और घूमते ही रहते। अंकल साथ में रहते तो सारा चीज एकदम सॉर्टेड हो जाता है। अभी हम लोग शायद से द्वारका जाएंगे, तो हम लोग तभी तुम लोग से मिलते है कि नहीं। ये जो चीज है ये ऑक्स वायर है, क्योंकि पिछले एक महीने से गाड़ी में हम बिना गाना सुने चल रहे हैं, मतलब रेडियो पे ही गाना लगा रहे हैं। म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अरे 15 किलोमीटर ही है, पहले पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा ना। म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई लोग, म्यूजिक अच्छा बजता है ना तो सड़ा हुआ मूड रहेगा ना तो भी अच्छा हो जाता है। ऑक्स अगर हाथ में तो तुम लोग मूड कंट्रोल कर सकते अपने हिसाब से। तो मैंने ये ऑक्स का वायर इसके लिए नहीं खोला था क्योंकि हम लोग ये कनेक्टर के लिए रुके थे। आईफोन ये कनेक्टर के बिना कनेक्ट नहीं होता है, और हम लोग वो वाले गाड़ी में ढूंढ रहे थे बट वो वाले गाड़ी में मिला नहीं। बट ये इसमें चार्जर ढूंढते मिल गया तो बहुत खुशी हो रही है। तो उद्घाटन करता है इसका, बोट का मंगाइल है अमेजोन से। ये हम लोग को ऑफर में अमेजोन से मिला, एकदम नाइस मेटालिक इसका कवर का, ये तो मतलब लेट टूटेगा। और बोट कंपनी भी अच्छा है सुनने में आया ऐसा, बाकी का तो पता नहीं। गलती हो गई एक, हम दोनों को भी लगा ऑक्स में प्रॉब्लम है, बट बेसिकली ये कनेक्टर में प्रॉब्लम है क्योंकि वो आवाज़ थोड़ा सा दहिसर पोइसर हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने ऑक्स नया खरीद लिया। तो अभी मेरे को अपना फ़ोन इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसके फ़ोन में एकदम कम बैटरी है और नेविगेशन के लिए चाहिए होगा। तो मैं अभी डायरेक्ट मॉल पहुँच के तुम लोग को मिलता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम आए हुए हैं। इधर का स्टोरी ऐसा है कि जब मैं पहली बार इसको मिलने आया था, फर्स्ट डेट, हम लोग का फर्स्ट डेट जो था अनऑफिशियल जो किसी को भी पता नहीं है, तो मैं तभी उसको इधर ही लेके आया था ये बोल के कि मेरे को फ्राइज एकदम ज्यादा पसंद है। ओह मैं तो फ्राइज भक्त हूँ, तो पट गया मेरे से, मैं आ गया। बट हम लोग सत्य निकेतन वाले इसमें गए थे, बट हम लोग वापस से जाने को ट्राई किए थे बीच में, ट्राई बंद है। हाँ बंद हो गया वो, हम लोग अभी यहाँ पर आए और ये काफी ज्यादा प्रिटी है, देखते हैं अभी। अभी शायद से हैलोवीन है तो इसलिए यहाँ पर हैलोवीन का डेकोरेशन हो गया सब जगह पे, है ना, भूत भूत लगा हुआ। और पता नहीं हम लोग यहाँ पर बैठे उसके सामने एक झाड़ भी हैलोवीन वाला ही लग रहा है, देखोगे तुम, दिखाता हूँ। नहीं लग रहा ये भी हैलोवीन वाला, सच बताना। पैसा क्यों हाँ बोला भाई, जैसे पैसा दिया दिया तो तुम रहा है ना, पैर देख के चल जाऊंगा। नाचोस है, कितना प्रिटी कलर का सॉस है ना ये, मैंने जोमेटो पे देखा, मेरे को पिंक कलर बहुत पसंद है, तभी से ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि हम लोग ये ट्राई करेंगे। तो अभी मैं खा के देखता हूँ कैसा है, ठीक है। ये हमारा फेवरेट शेक है, रॉकी रोड और बेल्जियम, दिखने में तो सेम ही लग रहा है, टेस्ट अलग करेगा। ये हमने खा लिया, तो मेरे हाथ पे लगे मेयोनीज से तो तुमको दिख ही रहा होगा कैसा है। वो हमारा पास्ता भी आ गया और एकदम क्विक है यहाँ पर सर्विस, है ना, मतलब घपा घप। ये भी आ गया। मैंने जब तक अपना मेयोनीज साफ किया तब तक,
माय गॉड, मतलब हम लोग ने दो शेक्स पिए, एक प्लेट नाचो खाया, एक प्लेट पास्ता खाया, वो भी व्हीट पास्ता। मैंने एस्टिमेशन किया था कि कम से कम 1800 का बिल आया, नॉट इवन 800, 760 में इतना सारा सब कुछ हो गया, इंक्लूडिंग GST, राइट? और क्या चाहिए, क्यों इतना सस्ता? कि कैंपस एरिया है ना कॉलेज के आसपास, जो भी कैफेज होंगे वो मतलब बेस्ट टेस्ट, सबसे ज्यादा फिलिंग और सबसे ज्यादा चीज। हद है यार, हद है। चलो आया घर पहुंच के। तो हम लोग को लगा था कि 3 दिन बाद आएगा, बट आज ही आ गया। हम लोग देखेगा, खोलो, दिख गया क्या? ओ हो, एक निकाल के बताओ। तो ये है हमारा लेबल। जब तुम ये देखती हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ये चीज कितना ज्यादा सीरियस है ना। हम लोग ज्यादा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा प्राउड है एक दूसरे पे कि कर लिया, मतलब स्टेप पे स्टेप काम किए जा रहे हैं ना, एकदम ज्यादा खुश है। कम कंग्रेचुलेशन हम लोग को भी, कंग्रेचुलेशन तुम लोग को भी, आपको कंग्रेचुलेशन, साथ में कंग्रेचुलेशन। हैपनिंग इज द वेरी नसीब सिर्फ पकार। तो अभी बहुत जल्दी तुमको दिखेगा ये चीज। चलो आए हम लोग थोड़ा सा कुछ तो भी करके, क्या करके आए करके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरा वैसे प्लान्स नहीं था व्लॉग करूं, बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसके भी पिक्चर्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि व्लॉग किधर है, मेरे भी पिक्चर्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं व्लॉग किधर है, ऐसा है। अपने को भी पसंद है, इसके लिए अपन ने किया। और बाकी ये चीज याद रखो तुम लोगों को, हम लोगों को बताने का है कि नॉर्थ ईस्ट में कहां पर है। हमने सुना है कि मणिपुर या मिजोरम यहां से रहेंगे, या हिमाचल में भी कहीं पर है, तो हम लोगों को प्लीज बताओ, है ना। क्योंकि मार्केट होने से ही मतलब नहीं है, मार्केट हर जगह पे है। राइट विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है, हम लोग ने जितना भी चीज उठाया वो सारा लोग ट्राई भी नहीं करते, फिर भी हम लोग को देख के पता चल जाता है कि इसका ये चीज बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है कि नहीं, कुछ टाइम बाद तुम लोग भी करने लगोगे जब तुम लोग वैसे कपड़े पहनने लगोगे। ये हमारे पास टाइम के साथ साथ आया। नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में किसी का कॉन्टेक्ट, प्लीज लेट अस नो। रिहाश को फॉलो कर लो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। और बाकी तुम लोगों को पता है तुम लोगों क्या करने का, तुम लोगों मारने का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि अपनी पार्टी बढ़ रही है, बढ़ने को मांगती है। मेरा भाई अभी कुछ कुछ काम में बिजी है, इसके लिए देखो संडे को शायद से हम मिल सकते हैं या उससे पहले भी मिल सकते हैं। यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन हिट करके रखो, बेल आइकन, तो तुम लोग को टेंशन नहीं रहेगा। इंस्टाग्राम से अपडेटेड रहो, मैं उस पर भी डालते रहूंगा, जैसे कल मैं स्वाइप अप, आज मैं स्वाइप अप डालूंगा शायद से, जो भी हो उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो आई विल सी यू गाइस वेरी सून, ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। 11:30 बज गए, सेम ही चीज है, मतलब व्लॉग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मरा ही पड़ा रहता पूरा टाइम।